क्या क्या लेना है पप्पू? हाँ, 15 जोड़ी टी शर्ट और 10-15 ट्राउजर ले लूंगा। एक परफ्यूम इम्पोर्टेड वाला, एक नया घर, एक नई गाड़ी और एक नया बंगलो। अरे पप्पू तू अमीर बनने वाला है पप्पू। अबे पप्पू क्या हो गया भाई? कमाल हो गया भाई, कमाल। अरे वाह पप्पू, मम्मी जी, चंदू मम्मी जी अब दादी बनने वाली है, पप्पू का लड़का होने वाला है। ये पप्पू, अरे वाह, तूने उसका नाम कमाल भी रख दिया, वेरी गुड। ये अरे क्या बकवास कर रहे हो भाई, वो वाला कमाल नहीं हुआ भाई। कुछ और हो गया है, मेरे पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, पैसे। और मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि तू बाप बनने वाला है। अरे भाई एक मिनट रुको, अबे अबे ऐसे क्यों घुमा रहा है मुझे? अरे भाई आपके लिए कपड़े और जूते खरीदने हैं ना, इसलिए देख रहा हूँ। अबे तो जूते खरीदने तो जूते देखना, मुझे क्यों देख रहा है? भाई जूते खरीदने के लिए साइज तो देखना पड़ेगा ना। चलो नीचे बैठो, लाओ पैर उठाओ। पैर तो नहीं उठेगा पप्पू, हाथ उठा दूं? अरे भाई हाथ में जूते नहीं पहनते, पैर में पहनते हैं, पैर उठाओ। अबे क्या बात कर रहा है पप्पू, मैंने तो लोगों को सर पर जूते खाते हुए देखा है। भाई तो तुम एक काम करो, सर पे जूता पहन लो, मुंह में जुराब ठूस लो, कम से कम ऐसी बकवास तो नहीं करोगे यार। भाई एक बहुत बड़ा काम हाथ लगा है। क्यों झूठ बोल रहा है पप्पू, तेरे तो हाथ खाली है, क्या हुआ क्या है तुझे? भाई तुम्हारा दिमाग भी खाली है। अरे भाई कुछ हुआ नहीं है, बस मैं बहुत जल्द अमीर बनने वाला हूँ, बस इस पकी पकाई हांडी में करछी चलाने की देर है। मतलब तूने आखिर सोच ही लिया कि तू बावर्ची बनेगा? भाई अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? यही कि तू बावर्ची बनेगा, यही तो पूछा मैंने। भाई तुम ना कुछ पूछो मत, बस सुनो। कल मुझे सेक्रेटरी अंकल ने बुलाया था। पप्पू तुझे तो पता है ना कि यहाँ पर हमारी सोसाइटी में एक फ्लैट की डील होने वाली है रेंट पर। हाँ तो मैं ये चाहता हूँ कि जो लेने वाला है ना उसे तो तैयार कर लो। क्यों, वो बिना कपड़ों के आ रहा है कि उसको तैयार करना? यार तू बात नहीं समझता। तुझे पता है कौन सा फ्लैट है? वो तेरे बगल वाला जिसका मालिक विदेश में रहता है। और अगर डील फाइनल हो गई तो तुझे तो ब्रोकरेज भी मिल जाएगी। हाँ लेकिन तुझे है ना जम के इस सोसाइटी की तारीफ करनी है। समझ गया मैं अंकल। हाँ पूरा रेंट आप हड़प जाओगे और मुझे ब्रोकरेज का लॉलीपॉप देके झूठ बोलने के लिए कहोगे? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ अरे भाई रेंट पैसे भी तो मैं साथ दूंगा ना तुझे झूठ बोलने के लिए। ठीक है बस तुझे उनके सामने इतनी तारीफ करनी है, इतनी तारीफ करनी है कि उसे लगना चाहिए कि पूरे मुंबई में इससे अच्छी सोसाइटी हो ही नहीं सकती। अरे अंकल मैं ऐसी तारीफ करूंगा कि एक फ्लैट क्या पूरी बिल्डिंग बिक जाएगी। हाँ ये हुई ना बात। अच्छा सुन, कल ईद है और वो कल ही शिफ्ट करना चाहता है। हाँ तो कल ही करवा देंगे। हाँ ये हुई ना बात। अच्छा सुन, वो मतलब थोड़ी देर में आने वाला है, अब ये पूरी डील तेरे भरोसे है पप्पू? आज ईद है भाई और हम जमकर ईद मनाएंगे। हाँ शौकत भाई ने नए फ्लैट में कदम रखे और यहाँ मेरे हाथ में गुलाबी नोट फड़फड़ाएंगे। अबे पप्पू ये नोट कोई कबूतर थोड़ी है जो फड़फड़ाएंगे। भाई तुम नो। या सलाम अलैकुम। शौकत भाई ईद मुबारक हो। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आइए पधारिए हमारे गरीब खाने पे। क्या बोला? अंदर आइए। वाह माशाल्लाह। आइए शौकत जी। क्या बोला? शौकत जी, शौकत जी नहीं, शौकत मियां लखनऊ वाले। शौकत मियां लखनऊ वाले। क्या बोले? आपको कम सुनाई देता है क्या जो बार बार पूछते क्या बोला? नहीं भाई साहब, तुम्हारा टकिया कलाम है। और ये तो आपका पान है। नहीं भाई साहब, दरअसल बात यह है कि मेरी आदत है, जब भी मुंह खोलता हो निकाल ही जाता है। भूख? नहीं नहीं, पान? नहीं नहीं, टकिया कलाम। पप्पू इन्हें खड़ा क्यों रखा है, बैठने के लिए कहो। अमा मियां ये शख्स हमें समझदार लगते हैं। वैसे मैं शख्स नहीं, मेरा नाम नंदू है, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ और हम दोनों अपने मम्मी जी के बेटे हैं। अच्छा भाई, इन्हें ईद मुबारक तो कहो। अरे हाँ, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। शाबाश भाई, प्लीज बैठिए। शौकत मियां लखनऊ वाले। वो जाकना दरवाजा खुला ही रखना, क्योंकि एक तरफ से हमारा सामान ऊपर आ रहा है और दूसरी तरफ से हमारी बेगम साहिबा लिफ्ट से ऊपर आ रही है। हाँ हाँ दरवाजा खुला है, खुला है। ये शेरवानी बहुत अच्छी है आपकी। अरे की है? क्या बोला?
क्या बोला? अरे कहाँ अभी तक कुछ बोला, अभी तो हाफ रही है। ये कैसी जगह ले आया आप मुझे? ईद के दिन लिफ्ट में कदम रखा नहीं कि खटर खटर करके चालू हो गई है, और जैसे ही पहुंची दरवाजा खोलने वाली थी कि सर करके नीचे चली गई। हाय, हमें भी जोर से पटक दिया, बाल बाल बचे, हम कैसी सारी गली लिफ्ट रही है। क्या बोला? अरे शौकत भाई, सोसाइटी के लिफ्ट की तो आप टेंशन ही मत लो, हमारी जो लिफ्ट है ना वो वर्ल्ड्स बेस्ट लिफ्ट है। आप उसमें बैठ के ऊपर नीचे जाओगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि आप लिफ्ट में हो, ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी माँ आपको प्यार से गोद में उठा रही है। अरे हम तो कहते हैं ऐसी लिफ्ट को आग लगा देनी चाहिए। किस तरीके की लिफ्ट है ये? हम जानते हैं कैसी लिफ्ट है, इसलिए हम कभी यूज ही नहीं करते, हमेशा सीढ़ियों से आते हैं। क्या बोला? भाई के कहने का ये मतलब है कि हम रोज कम से कम 2-3 बार सीढ़ियों से चढ़ते उतरते हैं, उससे क्या होता है ना, तंदुरुस्ती भी बनी रहती है और हम लोगों की एक्सरसाइज भी हो जाती है, और 3 राउंड मारने के बाद पानी पीने का जो मजा आता है ना, वो तो क्या कहिए। ले लो ले लो और मजे ले लो, पानी आ गया। अच्छा तो आप है शौकत मियाँ? यहाँ हम ही है शौकत मियाँ, कहिए जनाब क्या बात है? ये आपके लिए पानी। हाँ? आज शाम को पानी नहीं आएगा, जो भी काम है किसी पानी से कर लो। क्या? और हाँ, कल का भी ना कुछ कंफर्म नहीं है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। क्या बोला? अरे अंकल अब पानी के बारे में क्या बताऊं आपको, हमारी सोसाइटी में इतना पानी आता है, इतना पानी आता है कि अगर आप घर का टैप खोल देना तो आप उससे स्विमिंग पूल तक भर सकते हैं, और कभी कभी तो अंकल इतना पानी आ जाता है कि सामने वाला समंदर जेलस हो जाता है कि इनके पास इतना सारा पानी आ कहां से रहा है। वॉचमैन साहब सब कुछ बता दिया आपने, चलिए अब चलिए बाहर चलिए। मैं तो मैंने आप बाहर चलिए, हमें ऐसे कहीं निकाल रहे हैं? जैसी तुमने हरकत की है ना, मन तो मेरा भी नहीं ऐसा निकालने का, मन तो मेरा है कि मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूं। इतना अच्छा काम किया हमने, नए पड़ोसी आए हैं, स्पेशली आके इन्फॉर्मेशन दी है, और हम पे गुस्सा? अभी तक तो गुस्सा दिखाया नहीं है, दिखाऊंगा तो बहुत दर्द होगा। जाते हैं। सारी सेटिंग खराब करा देता। शौकत मियां आप गुस्से में मुंह लाल ना करें। पप्पू गुस्से में कहा, ये तो पान खा के मुंह लाल कर रहे हैं। भाई तुम भाभी को पानी क्यों नहीं देते, उनकी सांस चढ़ी है। सांस नहीं, वो तो सीढ़ी चढ़ के आई है। भाई तुम मत करो, मैं करता हूँ। भाभी जी ये लीजिए पानी। ठीक है रख दीजिए, एक बोतल पानी से क्या होगा, रात को खाला भी यहाँ ईद मनाने आने वाली है। बड़ी तुम घबराओ नहीं, हमारा नाम भी ईश्वर है, ईश्वर सब संभालेगा। बड़ी हम तुमको बाद में फोन करता है। कौन है, किसका सामान है ये फूलदान किसने रख दिया? बहुत तेज लग गया क्या? अरे बड़ी लगा तो ठीक है, पर ये सामान किसका है? अरे वो सामने वाले फ्लैट में जो नए किराएदार आए हैं ना, उनका सामान है ये। अरे तो किराएदार फ्लैट में आया, ये सामान कॉरिडोर में क्यों रखा है? काम वो पप्पू के घर पे बैठे हैं। उनके घर में? अरे बड़ी इनको मैं बताता हूँ। अरे सुनो भाई, अम्मा मियां आपने तो कहा था कि यहाँ पानी खत्म ही नहीं होता, लिफ्ट रुकती नहीं, झूठ कहा था ना आपने मुझसे? हम आपको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं हम आपको। अरे बड़ी छोड़ेगा तो हम तुमको नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको कॉरिडोर में छोड़ने की? क्या बोला तू? अरे नहीं नहीं इनकी हिम्मत नहीं, इनका तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1 साल के लिए रेंट पे रहने का। क्या बोला? अम्मा मियां पहले ये तो बताइए कि हुआ क्या? बड़ी होना क्या है, हम अपने घर से बाहर निकला, बाहर ये फूलदान पड़ा हुआ था, इससे हमारा पैर अटका, फूलदान भी टूटा और हमारा पैर भी टूट गया। नहीं क्या अपने हमारा फूलदान तोड़ दिया? अरे तो तुम्हारे फूलदान ने मेरा पैर भी तो तोड़ा। नहीं देखिए इन्होंने हमारे अब्बू का बनाया हुआ फूलदान तोड़ दिया। बड़ी बाबा तुम्हारा अब्बा तो ये दूसरा फूलदान भी बना देगा, पर हमारा पैर टूट जाता तो कौन बनाता? नहीं अम्मा मियां हमने कभी अपनी बीबी के अब्बा को बिरयानी बनाने के लिए नहीं कहा, और आप कह रहे हैं कि हम उन्हें कहें कि ये फूलदान बना दे। अरे 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 कोई बात नहीं मैं सब सॉल्व कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अबे पप्पू ये कोई मैथ्स का प्रॉब्लम थोड़ी है जो तू सॉल्व कर देगा। अरे पापा सबसे पहले इनको सोसाइटी से बाहर निकालो। अरे ओए आखिरी जंग के बचे हुए बारूद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ये सब कहने की?
तुम्हारे जैसे को तो ना हमारे लखनऊ में एक दिन में कबाब बनाकर खा जाएंगे। हाँ। अरे बाबा, जितना कबाब तुम्हारे पूरे लखनऊ में बनता है ना, उससे ज्यादा का तो मैं एक टाइम में खाना खा देता हूँ, अगर मिले तो। क्या बोला? अगर हमारे मुँह में पान नहीं होता ना, तो हम आप थूक देते। पान के साथ ही थूकिएगा। अगर ऐसे थूका ना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, और जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होता। क्या बोला? सबसे बुरे तो आप ही लग रहे हैं। जाकर शक्ल देखे आईने में अपनी। मेरी शक्ल? अरे मेरी शक्ल? अरे अपने पति की शक्ल देखो नी, ऐसा लगता है जैसे किसने गाड़ी का इंजन खोल के उसकी सर्विस कर दी हो। क्या बोला? आपकी शक्ल देखे ऐसे लगता है जैसे जैसे लखनऊ में मोची की दुकान पर वो जूती बनाने का स्टैंड हो। स्टैंड? मैं स्टैंड? आज ही फिर से यहाँ पप्पू के घर में खाने का फिर से कोई प्रोग्राम तो नहीं है? बड़ी पप्पू, मैं स्टैंड लगता हूँ क्या? हाँ भाई। नहीं नहीं नहीं। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर खाना खाने के लिए? हूँ, भूल गए तुम कि तुमने मेरे साथ में कसमें खाई थी? सात जन्म मेरे साथ रहोगे? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, मुझे बिना बताए यहाँ पर आ गए? नहीं नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। ऐसे पड़ोसी होने से तो अच्छा कि हम जंगल में जाके रहे। लो मियां आ गए अपनी औकात पर। वैसे भी ये लोग जंगल में रहने के काबिल है। आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? आप दोनों पड़ोसी हो। आज फैसला होकर रहेगा। फैसला हो गया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये गलत फैसला है। भाभी, भाभी जी, भाभी जी, आप इन्हें क्यों डांट रही हैं? ईश्वर भाई बहुत अच्छे हैं। इन्हें तो डांट पड़नी चाहिए। एक मिनट, आप कौन होती हैं ऐसा बोलने वाली? क्योंकि इन्होंने हमारे अप्पा का बनाया हुआ फूलदान तोड़ दिया है। अरे बड़ी, तो तुम्हारा फूलदान है, मेरा पैर तो तोड़ा है। क्या बोला? क्या बोला? अरे बाबा, इसका क्या बोला क्या बोला, कब बंद होगा? एक तो इस आदमी को ना हर बार बताना पड़ता है। भाई तुम एक काम करो, रिकॉर्ड कर लो और शाम को जाके घर पे सुन लेना। क्या बोला? ये तो इनका तकिया कलाम है, इनसे कुछ मत कहना। अच्छा जी, जिसका चेहरा ही तकिया जैसा हो उसका तकिया कलाम की जरूरत क्या है? खून नहीं है, हम पान खा रहे हैं। पान? पान? भगवान, कैसा आदमी है, इसने तो पान का ही खून निकाल दिया। अरे पेड़ से गिरी हुई छिपकली, हमारे मियाँ तो आदमी है पर अपने मियाँ को तो देखो, ऐसा लगता है जैसे जंगल से किसी लंगूर को लेकर उसे तराश कर दोबारा आदमी बना दिया गया हो। मुझे पति के बारे में बोलने वाले पहले पहले अपने पति को देखो, ऐसा लगता है जैसे चाय पत्ती को ना यूज करके ना उसको ऐसे इंसान बना दिया हो। क्या बोला? अरे आप लोग आपस में मत लड़ो, आप लोग पड़ोसी हो। ऐसे पड़ोसी होने से तो अच्छा कि हम जंगल में जाके रहें, कम से कम ऐसे पड़ोसी के साथ तो नहीं रहना पड़ेगा। लो मियां आ गए अपनी औकात पर। वैसे भी ये लोग जंगल में रहने के काबिल है। आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? आप दोनों पड़ोसी हो। आज फैसला होकर रहेगा। फैसला हो गया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये गलत फैसला है। इन अनपढ़ लोगों के साथ हम नहीं रह सकते। कौन अनपढ़ लोग? तुम हो अनपढ़ लोग। चलो तुम ना घर चलो, मैं ना तुमको आज अरबी का जूस पिलाती हूँ। अरे हाँ भाभी, ले जाइए आराम से, ईश्वर भाई को अरबी का जूस पिलाइए, ठंडा करिए। ये सब तो चलता रहता मियाँ बीवी के बीच में ना। शौकत भाई, मैं क्या कह रहा था, शौकत भाई एक बार ना दोबारा से सोच लो, क्योंकि ऐसे जल्दबाजी में फैसला लेना ठीक नहीं होता। ये बात। हाँ मियाँ, सही कहा आपने, हमने जल्दबाजी में फैसला ले लिया यहाँ रहने का, पर हम यहाँ एक मिनट भी नहीं रहेंगे। बेगम आप जाइए फ्लैट में, और हम जाकर सेक्रेटरी की खबर लेते हैं। अरे वाह, आप रिपोर्टर भी है? नहीं मियाँ। तो फिर खबर लेने क्यों जा रहे हो? खबर? हमारा पर्स तो लेने दे। एक बार अरे अच्छा, एक बार फिर से सोच लीजिए शौकत मियाँ। अरे मियाँ सुनिए तो। अरे आटो मियाँ, लाहौल विला को। अरे मियाँ हमारी बात तो सुनिए। अरे आटो। अरे हम सब सही कर देंगे। अरे जाओ। अरे यार ये चले गए तो पैसा भी हाथ से चला जाएगा, फिर तू क्या करेगा पप्पू? कुछ तो सोच। क्या हुआ बेटा, चले गए ना वो लोग? कितनी बार तुझे बोला है झूठ मत बोला कर, फंस जाएगा। अब देख, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था,
कि भाई मैं तुम्हें जूते और कपड़े लेकर देने वाला हूँ। अब तो मुझे लग रहा है कि वो लोग ही तेरे कपड़े फाड़ेंगे। भाई तुम टेंशन मत लो, पप्पू नाम है मेरा, पप्पू दिल्ली वाला। अब मैं कुछ ऐसा गेम खेलूंगा ना कि ये दो पड़ोसी जो आपस में दुश्मन बन गए हैं, ये दोस्ती कर लेंगे और एक दूसरे के गले मिलेंगे। भाई बस आगे आगे देखो होता है क्या। पप्पू आगे तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। भाई वो वाला आगे नहीं, मेरे मैं क्यों समझा रहा हूँ भाई, बस तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। अब ये पप्पू कुछ ऐसा करेगा कि ना तो पैसे हाथ से जाएंगे और ना ही शौकत भाई कहीं जा पाएंगे। इस बार की ईद पप्पू शौकत भाई के साथ मनाएगा। धुआं कहां से आ रहा है? हमारे अब्बा का फूलदान मैंने तोड़ दिया। क्या जवाब देंगे हम अपने अब्बा को? अम्मा बेगम, अब क्या पूरा कमरा ही पैक करने के लिए जाए क्या? ये सब छोटी मोटी चीजें में वक्त जाया मत कीजिए, चलिए जल्दी कीजिए। और आपने जो इस घर को ढूंढने में इतना वक्त जाया किया उसका क्या? और हमारी ईद भी खराब कर दी। मैं गुसलखाना जाके आता हूँ, आपको जो मर्जी है कीजिए। धुआं कहां से आ रहा है? अरे अरे मिया कहां है आप? मिया जल्दी आइए, देखिए आग लग गई है। अरे मिया, मिया कहां आप? अरे बेगम, अरे कहाँ है आप बेगम? अरे धुआं कैसे, आग लगी है क्या बेगम? कहाँ है आप? अरे मियां इधर अलमारी के नीचे, हमारा पैर फंस गया है। अरे बेगम आप यहाँ कैसे? हटाइए इसे। बेगम अगर आपको सोना ही था तो कंबल ओढ़ कर सो जाती, ये कमबख्त अलमारी ओढ़ के सोने क्या जरूरत है? मियां हमने इसे ओढ़ा नहीं है, ये हमारे ऊपर आ गिरी है। हाँ गिर पड़ी है, हटाइए इसे। अच्छा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। निकालिए, हाथ दीजिए, हाथ दीजिए, छोड़िए, आपसे नहीं होगा, जाइए बाहर से जाके किसी और की मदद लाए। अरे कोई है? अरे भाईजान, अरे मेरी बेगम को बचा लो। पप्पू लगता है तेरा काम बन गया। हाँ आपको मदद चाहिए? क्या बोला? आप चिल्ला रहे थे ना मदद के लिए, मदद चाहिए आपको? मुझे नहीं, मेरी बेगम को मदद चाहिए, बचा लो मेरी बेगम को। चलो शौकत भैया जल्दी बुलाए इससे पहले कि हम उठ जाएं यहाँ से। ये अरे शौकत भैया, आपके घर में आग लग गई है क्या? इतना धुआं कहाँ से आया? तो भाभी कहाँ है? अरे अरे यहाँ यहाँ, अरे नीचे 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 नीचे। ये क्या हो गया? उठाइए इससे पहले कि हम उठ जाएं, इसे हमारे ऊपर से हटाएं। अरे शौकत भाई ये हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा और किसी को भी बुलाओ। अरे कोई है भाईजान? जाइए बाहर से किसी और को भी बुलाएं। कोई है आ जाओ भाईजान। बड़ी क्या हो गया? भाईजान मेरी बीबी नीचे है। भाभी जान बड़ी ये क्या हुआ? भाईजान हमारी जान बचाएं, ये अलमारी हमारे ऊपर गिर गई है, हमारा पैर भी फंस गया है। घबराओ मत बहन, मैं अपने भाई होने का पूरा फर्ज निभाऊंगा। हाँ तू रॉकी बनवाने के बाद बचाओगे? चलो बचाओ जल्दी। हाँ हाँ ठीक है बड़ी।
शुक्रिया भाईजान। चलो ईश्वर भाई, तुम्हारे गेंडे जैसा शरीर कहीं तो काम आया। क्या? नहीं। शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया भाभी जान, शुक्रिया भूमिया। शुक्रिया भाईजान, आपने हमारी जान बचाई। बड़ी इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है, एक पड़ोसी तो दूसरे पड़ोसी के काम आता है नहीं, क्यों जी? देखा बेगम, इसे कहते पड़ोसी। पहले हम लोग आपस में लड़ते थे, और जब आज हम तकलीफ में आ गए ना सब मदद करने के लिए हमें। झगड़े में गलती भी तो हमारी थी, हमने आपका फूलदान तोड़ दिया, उसके लिए माफी है। अरे नहीं भाईजान, आपने कोई गलती नहीं की, गलती हमसे हुई है। दरअसल बात यह है कि गलती से हमने फूलदान रास्ते में रख दिया था, हमें माफ कर दीजिए भाईजान। नहीं नहीं, हमारी गलती। अरे भाभी, नहीं हमें माफ कर दो बड़ी। नहीं हमें माफ कर दो भाई साहब। अरे पप्पू मियां, आप कहां चल दिए, आप यहां आइए, आप कहां जा रहे? नहीं, वो सेक्रेटरी से आपके पैसे वापस ला रहे ना शौकत मियां, वो आपको घर शिफ्ट करना है ना। अरे पप्पू मियां, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको पैसे लाने की भी जरूरत नहीं है। एक मिनट, ये लीजिए पैसे, और जाकर सेक्रेटरी साहब को देके आइए, और हाँ उनसे कहिएगा कि अब हम ये फ्लैट कभी खाली नहीं करेंगे। क्यों बेगम? जी मियाँ, और अब इस खुशी के मौके पर हम ये ईद आप सबके साथ मनाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं अभी शीर खुरमा लाती हूँ। हाँ, शीर खुरमा। याद रहे, कोई भी मुंह मीठा किए बिना कहीं नहीं जाएगा। मेरा मुंह तो नोट मिलते ही मीठा हो गया, अब मुझे शीर खुरमे की कोई जरूरत नहीं है। मीठा, मेरा तो मन मीठा हो गया आप जैसे मीठे पड़ोसी पाके, अब मुझे मीठे की जरूरत नहीं है। शौकत भाई, ईद मुबारक। मुबारक भाई, मुबारक हो शौकत भाई, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक हो भाई। ईद मुबारक।